सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम साय ने लिखा कि छत्तीसगढ़ से धार्मिक यात्रा पर गए श्रद्धालुओं से भरी बस के उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर पलटने की दुखद खबर आ रही है। बस में सवार 65 श्रद्धालु में से 2 के निधन और 40 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों के जिला संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद और फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में इलाज की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन से बात करके डॉक्टरों को उचित देखभाल के निर्देश दिए गए हैं। उच्च अधिकारियों को इस बाबत आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त अनिल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनिल, ये हादसा हुआ कब और कैसे हुआ? फिलहाल घायलों की स्थिति कैसी है? मुख्यमंत्री का भी एक्सपर्ट पोस्ट सामने आ गया है। देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ी घटना हुई है। दुर्ग जिले से भी ये जो यात्री थे 28 लोग इसमें सवार थे इस बस में, जिसमें से दुर्ग कलेक्टर साहब ने इस संबंध में जानकारी मांगी तो उनका ये कहना है कि 20 लोग जो है उनकी जो स्थिति है वो ठीक है, उन्हें छुट्टी कर दी गई है। इसमें 6 जो यात्री थे उन्हें सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है, समुचित व्यवस्था की जा रही है। और इसके अलावा 2 जो है महिला और एक महिला और एक 17 साल की बच्ची, इनकी डेथ हो गई है। इनके नाम की पुष्टि नहीं हो पाई है और इस मामले में एसडीएम जो केरलिंग के जो अधिकारी है जी, बहुत शुक्रिया आपका अनिल तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो एक महिला और एक बच्ची की जान गई है इसमें और इस पूरे हादसे को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस पर दुख जताया है।